हेलो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ फिलिप्स का BT3200 कॉर्डेड ट्रिमर। ये वाला ट्रिमर मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू क्या है। तो चलिए दोस्तों, अनबॉक्स करते हैं फिलिप्स का BT3200 कॉर्डेड ट्रिमर का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 2 साल का गारंटी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा 2 साल के अंदर इस ट्रिमर में, तो फिलिप्स आपको कंप्लीट रिप्लेसमेंट दे देगा। और यहाँ पे लिखा है 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक आपको लेंथ सेटिंग्स मिलेगा। तो देखते हैं, यह है ट्रिमर। यह है 1.8 मीटर का कॉर्ड जो कि बहुत ही लंबा है। तो आपका अगर प्लग दूर भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें दिया हुआ है एक ब्रश, इससे आप कभी भी आपका ट्रिमर साफ कर सकते हैं। और है यूज़र मैनुअल्स। तो चलिए देखते हैं ट्रिमर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ट्रिमर का डिज़ाइन बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही अच्छा दिखने में है। और यहाँ पे 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक आप कर सकते हैं लॉक सेटिंग्स। तो यहाँ बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया 10 मिलीमीटर। तो इससे आप अपना बाल भी छाट सकते हैं और ये आप खुल सकते हैं। साफ करने के लिए ये है ऑन ऑफ बटन, यह है ऑन और ये ऑफ। और यह है कॉर्ड लगाने की जगह। तो चलिए देखते हैं कॉर्ड लगाने के बाद कैसा यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने कॉर्ड लगा दिया, तो इसे ऑन करता हूँ। अब ऐसे सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं इस फिलिप्स ट्रिमर को, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है ये फिलिप्स ट्रिमर मेरे को। और मैंने ख़रीदा था इसको 2015 में फ्लिपकार्ट से, और वो भी सिर्फ 999 में। तो पहले मैंने सोचा था कि QT4001 वाला सीरीज़ लूँगा, जो कि कॉर्डलेस ट्रिमर था फिलिप्स का, और उसका प्राइस था अराउंड 1200 रुपीज़ का। तो मैंने नहीं ली वो वाला ट्रिमर, क्योंकि उसका यूजेस टाइम बहुत ही कम है और चार्जिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा है। उसको 10 घंटा लगता है चार्ज करने में वो वाला ट्रिमर, और सिर्फ 45 मिनट का आपको यूजेस टाइम मिलता है। तो इसीलिए मैंने नहीं लिया वो वाला ट्रिमर। तो इससे अच्छा है कि मैं कॉर्डेड ट्रिमर ही ले लूँ। तो इसका कॉर्ड बहुत ही बड़ा है, जैसे कि आप देख चुके हैं कि इसका 1.8 मीटर का कॉर्ड है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ उस कॉर्ड के साथ, चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बैटरी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि ट्रिमर 15-20 दिन में एक ही बार यूज़ होता है। तो इसीलिए मैंने कॉर्डलेस ट्रिमर नहीं लिया। कॉर्डलेस ट्रिमर में बैटरी रहता है जो कि बिना यूज़ करने के कारण डेड हो सकता है। तो इसीलिए मुझे कॉर्डेड ट्रिमर ही अच्छा लगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो 2 साल से यूज़ भी कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।